नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिक फंटूश में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं इंडियन आइडल के मोहम्मद दानिश की जुगलबंदी इंडियन आइडल के पवनदीप राजन के साथ में। दोनों में से कौन ज़्यादा ऊंचे और तबाही सुर लगाता है, किसकी आवाज़ में ज़्यादा फीलिंग और इमोशन है, ये दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं मोहम्मद दानिश की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं पवनदीप राजन की एक बहुत प्यारी सी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले आना जा, क्या बात वाले तेनु पिंड दिया, गलियां पुकारेंगी। क्या बात है यार, कितने गजब के तबाही सुर लगाते हैं मोहम्मद दानिश। चलिए अब दिखाता हूँ आपको पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये क्या बात है यार पवनदीप राजन की, कितनी प्यारी आवाज़ है और कितनी गजब की फीलिंग आती है इनकी आवाज़ में। चलिए बात कर लेते हैं दोनों की कंपेयर की, कि दोनों में से किसने ज़्यादा ऊंचे और तबाही सुर लगाए और किसकी आवाज़ में ज़्यादा फीलिंग आई। तो सुर की बात करें तो मोहम्मद दानिश से ऊंचा सुर कोई भी नहीं लगा सकता इंडियन आइडल में, क्योंकि बहुत ही गजब के तबाही सुर लगाते हैं। और फीलिंग की बात करें तो पवनदीप राजन से ज़्यादा प्यारा गाना फीलिंग के साथ कोई नहीं गा सकता है, क्योंकि बहुत गजब की फीलिंग आती है इनकी आवाज़ में। तो आपको दोनों सिंगरों में से कौन सा सिंगर ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो मोहम्मद दानिश बहुत प्यारे लगते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के जाइएगा।